हेलो एवरीवंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूरी ऑफिशियल टूल जुर्म। आप सभी का वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर आए गाइस न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग, वो भी अजमेर शहर के। आज हम आपको बताने वाले हैं ज्ञानोदय तीर्थ नारेली जैन मंदिर। ये टेंपल जो है कि अजमेर के बाहरी इलाकों में स्थित एक न्यू टेंपल, न्यू जैन मंदिर है। यह अजमेर शहर से 7 किलोमीटर की दूरी और जयपुर से 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित है और महावीर स्वामी को समर्पित है। बहुत ही अच्छा नारेली जैन मंदिर है और अभी आपको वहाँ के लोकेशंस और वहाँ का पूरा व्यू दिखाते हैं। यह आप देख रहे होंगे पहाड़ी पर, अभी यहाँ का काम चल रहा है इस टेम्पल का और यह हम पहुंच चुके हैं नारेली जैन मंदिर के मेन गेट पे। और यहाँ मेन गेट से एंटर होंगे। यहाँ कोई भी चार्जेबल नहीं है किसी भी तरह से। वैसे टेंपल में चार्जेबल नहीं होता है, किसी भी टेंपल में जाओ तो। आज हम आपको बताएंगे नारेली जैन मंदिर, राजस्थान के जैन मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध जैन मंदिर और सबसे बड़ा जैन मंदिर के आज हम आपको दर्शन करवाएँगे। और गाइस हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सामने जो दिखाई दे रहा है यही मेन टेंपल है, यही भगवान जी का टेंपल है। मगर अपन क्या है कि नवनिर्मित पहाड़ियों में जो टेंपल बन रहे हैं वहाँ हम आपको यहाँ से लेकर चलेंगे। यहाँ से अपन लेफ्ट साइड के अंदर जाएंगे और ये अपन कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी करके अपन पहाड़ी में चलेंगे। पहाड़ी का व्यू देखना गाइस, पहाड़ी का व्यू बहुत ही अच्छा है। आपको पहाड़ी में जाने के बाद में ऐसा फील होगा वहाँ पर कि वो कहाँ आ गए, जन्नत जैसा फील होगा और पूरा अजमेर शहर वहाँ से देखने को मिलेगा। और ये जो दिगंबर जैनों में से एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, यहाँ पर जो संगमरमर के पत्थरों से बना नारेली जैन मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला और जटिल पत्थर की नक्काशी के लिए पर्यटकों के लिए बहुत ही लोकप्रिय बना हुआ है, जो पारंपरिक और समकालीन दोनों रूप प्रस्तुत करता है। यह टेंपल पूरी तरह से पत्थर से बना है और चारों ओर सुंदर आकार के बगीचे से सुशोभित है। और ये आप व्यू देख रहे होंगे पहाड़ी का, पहाड़ी में हम चढ़ाई कर रहे हैं और ये पहाड़ी पर, पहाड़ी में रोड देखो आप कितना क्लासिक रोड है और हरा भरा। इस बारिश के दिनों में हरा भरा लगता है। और आपको ऊपर जाने के बाद में बहुत ही अच्छा लोकेशन दिखाने वाला हूँ गाइस। आज ये स्थानीय जो यहाँ के लोग होते हैं वो बहुत भीड़ लगी रहती है, स्थानीय लोगों को और बाहर के लोगों को भी बहुत भीड़ लगी हुई होती है। और गाइस हमने 3 किलोमीटर का सफ़र करके और अरावली की पहाड़ियों पर बने हुए अन्य तीर्थ करके 24 लघु मंदिर हैं। आप देख रहे होंगे कितने ब्यूटीफुल है, ये लाल पत्थरों से बनाए हुए हैं। ये लाल पत्थर अपने राजस्थान में धौलपुर के प्रसिद्ध, यहाँ से मंगवाए हुए। और ज़्यादातर लाल पत्थर और
संगमरमर के पत्थरों का यूज किया गया और सारे टेंपल जो बनाए हुए हैं सारे पत्थरी पत्थर के हैं और ऊपर से देखने में यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही शानदार लगता है, लुभावना लगता है। इसका निर्माण जो ये टेंपल जो दिखाई दे रहे लघु टेंपल, इनका जो निर्माण अरावली पर्वतमाला में आर के मार्बल के श्री अशोक पाटनी द्वारा किया गया है। नारेली जैन मंदिर वास्तुकला और शहर क्षेत्र से दूर पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता के शौकीन पर्यटकों के लिए एक राजस्थान के सबसे लुभावने जैन मंदिरों में से एक है। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि इस जैन मंदिर में भारतीयों के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर जो विदेशी आते हैं प्रति व्यक्ति 10 रुपीज़ का है। इसके अलावा आप यदि अगर डिजिटल कैमरा ले जाना चाहते हो तो उसका अलग से टिकट करवाने पड़ता है, उसके 50 रुपीज़ अलग से लगते हैं। यदि वीडियो कैमरा साथ में ले जा रहे हो तो उसका 100 रुपये शुल्क आपको देना होगा। और अगर गाइज आप नारेली के जैन मंदिर का यात्रा का प्लान बना रहे हो तो यहाँ का टाइमिंग भी ध्यान रखें। यहाँ का टाइमिंग मंदिर खुलने का 6:30 बजे से है और शाम को 8:30 बजे तक यहाँ पर तीर्थयात्रियों की भीड़ लगी रहती और ये टेंपल खुला रहता है। और हम अब जा रहे हैं आपको गाइज ये ऊपर के जो लघु जो टेंपल हमने आपको बताए हैं, अब नीचे जो मेन मंदिर है जहाँ पर भगवान जी जो जिनकी बहुत बड़ी प्रतिमा है वहाँ हम आपको लेकर चल रहे हैं। और यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हो, व्यू देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। और यहाँ आना ना भूले और इस व्लॉग को पूरा देखे स्किप ना करें। और गाइज अब आपको मैंने बताया था कि अरावली पर्वतमाला के जो ऊपर जो टेंपल बने हैं है लघु टेंपल, वो उनके आपको आपने कर लिए है दर्शन। और हम अब मेन टेंपल की तरफ चलते हैं वापस, जहाँ से मुड़े थे अपन लेफ्ट वहीं आ चुके और अब हम मेन टेंपल की तरफ जा रहे हैं। मेन टेंपल का मेन गेट और देखो आप गाइज क्या नाइस नज़ारा है, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। और गार्डनिंग देखो आप, गार्डनिंग और यहाँ की बिल्कुल साफ़ सफाई देखो। जैन मंदिर मैंने जितने भी देखे हैं गाइज बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं और साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। और गार्डन और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। और यहाँ का मंदिर आप देख रहे हो, यहाँ यदि आप आना चाहते हो तो यहाँ की सुखद यात्रा करना चाहते हो तो बता दें कि यहाँ का दौरा करने का सबसे अच्छा समय जो होता है नवंबर से मार्च का समय माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम सुखद होता है और जो आपकी यात्रा भी रोमांचक बना देता है और आप आसानी से मंदिर में घूम सकते हो। गर्मियों में यहाँ का मौसम यात्रा करने के लिए सही नहीं है क्योंकि यहाँ दौरान चिलमिलाती गर्मी पड़ती है जिसकी वजह से आपको यात्रा में दिक्कत आती है। तो आप नवंबर से मार्च के महीने में यात्रा करने आए तो आपको और यहाँ का डबल मज़ा ले सकते हो। और मेरी जो ब्यूटीफुल वाइफ हैं इनको फ़ोटो लेने का और वीडियोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो इनके बिना मैं कहीं नहीं जाता। हाँ कुछ व्लॉग मैंने इनके बिना भी बनाए थे क्योंकि ये बनारस रहते हैं, जब तक मैं वीडियो अकेले में भी बनाता हूँ क्योंकि आप मेरे फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स वो मेरे वीडियो का वेट करते हैं तो मैं उनके लिए न्यू वीडियो बनाता रहता हूँ। और आप हमारे दोनों की हमने यहाँ पर खूब फ़ोटो लिए और हमने खूब वीडियो भी बनाए हैं क्योंकि यहाँ पर स्थानीय ऐसा है कि वीडियो और फ़ोटो नहीं लें तो यहाँ की यात्रा अधूरी है। इस वजह से हमने यहाँ पर खूब फोटोग्राफी की है और खूब वीडियोग्राफी की है। तो आप भी यहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करके फिर आप मेन टेंपल की तरफ चल सकते हो। अब हम भी मेन टेंपल की तरफ चल रहे हैं और टेंपल पूछने वाले मेन गेट से यहाँ 500 मीटर दूर हैं तो यहाँ 500 मीटर अखरेगा नहीं क्योंकि वहाँ से आपको हर चीज़ नए नए देखने को मिलेगी। तो हम अब मेन टेंपल की तरफ आपको लेकर जा रहे गए तो वीडियो में बने रहे हैं, वीडियो में बोर ना हो क्योंकि ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा जो मैंने पूरा नरेली जैन मंदिरों को कवर करने का प्रयास किया है। आप जहाँ भी बैठे हों, जिस कोने से भी इंडिया के देख रहे हों, आपको मैं पूरा यहाँ का नरेली जैन मंदिर मेरे वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप
गाइज, अब आपको भगवान जी के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर आदिनाथ जी की 22 फीट ऊंची विशाल मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ का जो नज़ारा है, नक्काशी है, बहुत ही अच्छी नक्काशी का यूज किया गया है, बारीक नक्काशी है बिल्कुल। यहाँ पर स्तंभ हो, यहाँ पर फ्लोर हो और यहाँ पर रूफ हो, देखो आप रूफ देख सकते हैं कितनी बारीक नक्काशी का यूज किया गया है। बहुत ही सुंदर टेम्पल है और वास्तु में तो नारेली जैन मंदिर वास्तुकला और जो यहाँ के मार्बल्स हैं उसका बहुत ही अच्छा है यूज किया गया है। और गाइज, आपने ये पूरा वीडियो देखा है, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको ये कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और सपोर्ट प्रदान करें। जय हिंद।